गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज हम हैं अभी मथुरा में, अभी जा रहे हैं कृष्ण जी की जन्मभूमि जन्म स्थान पे जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो ये रास्ता है मंदिर का, तो ये वाला मंदिर है जो सामने साइड में दिख रहा, राइट साइड में। ये मंदिर, यहाँ पे ये भोजनालय भाई मंदिर की तरफ से, यहाँ पे टोकन वगैरह लेते हैं और ये 10-11 बजे स्टार्ट होता है, यहाँ से मंदिर का स्टार्ट हो जाता है। ये भाई जन्मभूमि आ गई श्री कृष्ण जी की, पीछे ये वही है, ये मेन गेट है जहाँ पे ये रथ है लगा हुआ है। अभी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जो कंस की जो कारागार है, जो जेल है, माता पिता श्री कृष्ण जी के जो बंद थे यहाँ पे जेल में, ये वो स्थान है। अभी कृष्ण जन्मभूमि के नाम पे ही है अभी भी। तो ये मेन गेट है। अंदर फोन वगैरह नहीं लेके जाने देंगे, तो यहाँ से ही लेना पड़ेगा। व्यू यही है स्थान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि का, और ये मेन गेट वगैरह यही है। तो ये है जन्मभूमि श्री कृष्ण जी की, और ये सामान घर है। अंदर कुछ भी नहीं लेके जाने देंगे भाई, कैमरा वगैरह फोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। और जूते चप्पल ले यहीं पे, ये जो ये सेल बने हुए हैं यहीं पे, सामान घर है यहीं पे, रख के जाने पड़ेंगे जूते वगैरह। तो चलिए भाई मिलते हैं फिर। तो दोस्तों श्री कृष्ण जी के दर्शन करके आ गए हैं, और यहाँ से अब जाएंगे कंस किला, जो कि कृष्ण जन्मभूमि से 2 या 3 किलोमीटर ही है। ये कंस का कारागार हुआ करता था, तो कृष्ण जन्मभूमि का भी कंस किला यहाँ से 2-3 किलोमीटर है। चलो गाइस मिलते हैं सीधा कंस किले पे, वीडियो में बने रहे गाइस। भाई सवाइज ये है कंस किला, और ये रास्ता है कंस किला का, ये कुछ ऐसे है आसपास में। यहाँ से आने का रास्ता बिल्कुल कच्चा है, और ये है कंस किला। बिल्कुल ये तो ये मतलब दीवार वगैरह इसकी गिर चुकी है यहाँ पे, ये बाद में खींची थी, जो ये खींच रखी है थोड़ी बाद में खींच रखी है। ऊपर से दीवारें वगैरह टूट के गिर चुकी है इसकी, और ऐसे पुराना हो चुका है बिल्कुल। इसमें कुछ भी काम नहीं हो रखा बाद में, जैसा बनाया था पहले वैसा ही है, एज इट इज वैसा का वैसा है अभी भी। कोई भी काम वगैरह नहीं कर रखा, वो जो भी दीवारें वगैरह टूटी हैं वो टूटी की टूटी है, अपने आप जो टूटी थी तो वैसे का वैसा ही है। इसमें कोई भी वो नहीं है, ओरिजिनल है बिल्कुल, जैसा उस टाइम पे बना था वैसा ही है जो भी। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर, इसके अंदर जाके दिखाएंगे क्या कुछ है। अभी यहाँ पे जूस वगैरह पीते हैं। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट के इस पे कुछ भी नहीं है, बस यही है जूस वगैरह की रेडी मिलेंगी। भाई ये अभी किले के पास आ गए हैं, कंस किला है, ये है कुछ ऐसे। अभी जा रहे हैं अंदर, यहाँ से रास्ता है, और अभी अंदर जा रहे हैं सब।
यहाँ पे देखो भाई, बिल्कुल जैसे पहले बना रखा था वैसे, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर रखा अभी तक। ओरिजिनलिटी है बिल्कुल इसके किले की वैसी जैसे जो कुछ था वैसे ही है। और ये यमुना नदी है पास में, तो मिलते हैं गाइस अंदर जाके। तो गाइस ये पीछे का व्यू साइड का, अभी अंदर जो किला है कंस का वो अंदर कमरे वगैरह बंद है भाई, टूरिस्ट प्लेस नहीं है ये, तो आरएसएस का कार्यालय बना रखा है, तो वही इसी के में जो भी कमरे वगैरह रूम वगैरह बना रखे थे वो सारे आरएसएस के अंडर में है, बंद है। बस ऊपर छत छत थी ना, जो वो रास्ता खुला है के लिए छत छत थी उस पर, बस यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है नहीं। तो बाहर से आपको लुक दिखा दिया है कंस के किले का, और ये यमुना जी है, भी जा रहे हैं विश्राम घाट की तरफ। ये यहाँ से विश्राम घाट ही सारा वहाँ नहीं जो दिख रहा वहाँ, ये विश्राम घाट और यहाँ पे द्वारकाधीश का मंदिर वगैरह है। ओके तो भी जा रहे हैं, कुछ ऐसा पीछे से व्यू है, ये किले का ही सारा पार्ट है, ये जो किले का ही पार्ट है ये। तो ये गाइस मिलते हैं आगे विश्राम घाट पे, हो देखते हैं क्या कुछ मिलता है। अभी लाइज करेंगे बोटिंग, अभी जा रहे हैं बोटिंग पे, वहाँ पे जाएंगे बोटिंग करेंगे। चार्ज है 300 रुपये आधे घंटे का बोल के लेके आया है अभी। ये है वो घाट जहाँ पे कंस की वाइफ नहाती थी, अभी ऐसे है, यहाँ पे कंस की वाइफ नहाने आती थी, अभी उस घाट पे अब हैं। और ये सामने जो है ये है कंस का किला, अभी जाएंगे विश्राम घाट की तरफ, यहाँ पे जय श्री राम। यहाँ पे अभी यहाँ पे वोटिंग के लिए भाई जो चार्ज है वो 300 से 400 रुपये का है आधे घंटे का, तो अभी 300 रुपये में की है आधे घंटे में के लिए। तो वहाँ से लेके आया था जो वो घाट है वहाँ पे वोटिंग है ना, वहाँ से लेके आया था इस घाट पे जहाँ पे कंस की बीवी नहाने आती थी, जो कंस की वाइफ थी वो नहाती थी, यहाँ पे लेके ये दिखाया है। और अभी जा रहे हैं वापस विश्राम घाट की तरफ। पार की थी इस रास्ते से श्री कृष्ण जी को लेके ऐसे वासुदेव जी गए थे। ये सामने जो है पीछे पेड़ पे दीवार पे ये वो रास्ता है जहाँ से नदी पार की थी, और विश्राम घाट है ये सामने, ये पूरा विश्राम घाट है जहाँ पे बलराम जी उसने कंस को मार के स्नान किया था, और यहाँ पे ये इसको विश्राम घाट से नाम से जाना जाता है। अरे पूरा ये यहाँ से लेके पूरा विश्राम घाट ही है वहाँ पे, सब वहाँ तक पूरा विश्राम घाट है ये। और ये तो गाइस ये है विश्राम घाट, अभी विश्राम घाट पे आए हैं, और सामने वो जो ब्रिज है वो रेलवे ब्रिज है, और ये विश्राम घाट आ गया है। अभी वोटिंग का हो गया है टाइम,
अभी विश्राम घाट पे उतरेंगे बोट से। ये विश्राम घाट है जो आपने देखा भी। अगर ज़्यादा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, पसंद आए अगर कुछ इन्फॉर्मेशन तो। ये है विश्राम घाट। तो गाइस ये द्वारकाधीश मंदिर है। अभी ये विश्राम घाट से जस्ट ऊपर चढ़ते ही है, गली है, ऊपर चढ़ते ही मंदिर है ये। और ये मेन गेट है, अभी बंद है, 4 बजे ओपन होगा। और यहाँ से जैसे है द्वारकाधीश मंदिर। अभी बंद है, 4 बजे ओपन होगा भाई। ये मॉर्निंग में टाइम वगैरह की है, अभी दिखाते हैं। ये टाइम द्वारकाधीश मंदिर है भाई। दोस्तों अभी जाएंगे वृंदावन में, यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं। मंदिर खुलेगा 4 बजे, तो अभी वृंदावन जाएंगे। तो यहाँ पे बस इतना ही है, बाहर से ही देखेंगे, अंदर नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि टाइम है नहीं इतना कि 4 बजे वो है। चलो ठीक है, आज मिलते हैं वृंदावन में।